मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला है लगातार चलती रहेगी। ये फोर्थ नंबर का टेस्ट पेपर है जो मिक्स टेस्ट आप लोगों के चल रहे हैं। वैसे अलग अलग प्रश्न तो मैं आप लोगों को डाल ही रहा हूँ, यहाँ पर शायद आप लोग कर रहे होंगे। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों आपके लिए मैं हर प्रकार का वीडियो लेकर के आता हूं। शायद ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं व्याख्या के साथ, वो प्रश्न आपके जीवन को बदलने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। इसलिए मित्रों एक वीडियो मैंने मोटिवेशन के लिए भी डाला हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मित्रों आपके जीवन में अगर उमंग और उत्साह और जोश न भर जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो मित्रों इन प्रश्नों को भी जरूर आप कीजिएगा। ये प्रश्न मैं स्पीड से करवाता हूँ, इसमें चार ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए साथियों इन प्रश्नों को जरूर आप करना। देखिएगा पहला प्रश्न है, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो भारतेंदु ग्रंथावली के जो संपादक है मित्रों वो है साथियों ओम प्रकाश। क्या नाम है? ओम प्रकाश भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक माने जाते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आता है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? बहुत तगड़ा प्रश्न है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? प्रेमचंद, गुलेरी, भारतेंदु और प्रसाद, किसे दी गई है साथियों? इतिहास दिवाकर की जो उपाधि है वो गुलेरी जी को दी गई है साथियों, याद कर लेना। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता है? ये मिक्स क्वेश्चन वाले टेस्ट है साथियों, विस्तार से टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को अलग से करवा रहा हूं। अभी भक्ति काल चल रहा है, आदि काल अपना खत्म हो चुका है, लेकिन ये पीपीटी पर मिक्स टेस्ट में आप लोगों को करा रहा हूं साथियों, इनको जरूर करना आप, ठीक है? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के जो देवता है साथियों वो यहाँ पर यम को माना जाता है। किसको माना जाता है? यम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है फोर्थ नंबर का, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? भारवी का वास्तविक नाम क्या है मित्रों? तो भारवी का वास्तविक नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, बाल कविता ये कदम का पेड़ लेखिका, बाल कविता ये कदम का पेड़ लेखिका, इसके बाल कविता ये कदम का पेड़, बाल कविता कौन सी है? यह कदम का पेड़ की लेखिका कौन है? तो मित्रों इसकी लेखिका जो है, पांचवें नंबर का प्रश्न है, इसकी लेखिका है साथियों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी। अगला प्रश्न है, नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? बहुत तगड़ा प्रश्न है यार, बहुत तगड़ा प्रश्न है, हर एक प्रश्न को आप लोगों को करना है। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? बहुत तगड़ा प्रश्न है साथियों, किसे माना है? किशोरी लाल गोस्वामी को माना है, इसका पहला ऑप्शन राइट माना जाएगा। सातवां प्रश्न है, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? छह खंडों में विभक्त है साथियों, कितने खंडों में? छह खंडों में विभक्त है। आठवां प्रश्न है, मुक्ति बोध की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है या मुख्य हेतु क्या है? तो साथियों आठवें प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, लंबी कविताएं। आपने देखा होगा मुक्ति बोध के बारे में जब भी हम बात सुनते हैं अधिकतर प्रश्न लंबी कविता के बारे में ही पूछा जाता है कि लंबी कविताएं किसकी है? मुक्ति बोध। लंबी कविताओं के नाम से फेमस कौन है? मुक्ति बोध, इस तरह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? नया खून नामक पत्रिका का संपादक कहाँ से हुआ था मित्रों? नागपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागपुर से हुआ था, तो याद आपको रखना है। 10वां प्रश्न है, इस प्रश्न को तो हर कोई स्टूडेंट जानता होगा, कौ पूवल्ले माला कथा के रचनाकार कौन है? पूवल्ले माला कथा के रचनाकार किसको माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है,
खुसरो की रचना खालिक बारी है वस्तुतः क्या है? खुसरो की रचना जो खालिक बारी है वो क्या है? तो आप बता सकते हो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो पारसी हिंदी संकलन है। जो खुसरो की रचना है खालिक बारी वो क्या है? पारसी और हिंदी का एक संकलन किया गया है मित्रों। अगला प्रश्न है, जिस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? बहुत तगड़ा प्रश्न है यार मित्रों। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी मेहनत तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इतना मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं और उत्साहित रहूं और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आता रहूं साथियों। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस के रचनाकार किसको माना जाता है? मुल्ला वजई को। साथियों याद होगा, अगर साथियों कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत हो जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। ठीक है साथियों, मेरा गलत बताने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग सुधार करेंगे। मित्रों, आपसे ज्यादा जानकार और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है इस दुनिया में, जो आज मेहनत कर रहा है, जो आज बेरोजगारी को झेल करके दिन रात एक कर रहा है, रातों को भी दिन बना रहा है साथियों, इसलिए आपसे बढ़कर यहाँ पर कोई नहीं है। साथियों, सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजई को माना गया है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी साथियों? 1800 में, 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर का, बेकसी का मजार। कौन सा प्रश्न है? बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के जो लेखक है मित्रों वो है बी ऑप्शन, यानी कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, कितना तगड़ा प्रश्न है यार, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक किसको माना जाता है? 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। अरे सुंदर है, सबसे पहले बात ही सुंदर वाली आती है, तो सरस्वती और भगवान श्याम तो वैसे ही सुंदर थे, इसलिए सरस्वती पत्रिका को इन्होंने ही लिखा और सुंदर दास नहीं लिखा, अर्थात बाबू श्याम सुंदर दास ने के इसके पहले संपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत थे। जो मुक्तिबोध है साथियों, जो मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में सेवारत है, मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय का नाम है राजनंदगांव में है, वहां सेवारत कौन थे? कौन थे साथियों? तो 17 नंबर का प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हिंदी विभाग अध्यक्ष में थे। जो मुक्तिबोध थे साथियों वो दिग्विजय महाविद्यालय जो राजनंदगांव में है वहां सेवारत थे। मुक्तिबोध किस रूप में थे? हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में थे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। 18 नंबर का प्रश्न है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर में कौन सा बिंब आता है साथियों? 18 नंबर का प्रश्न है, कौन सा बिंब आपको नजर आता है? चाक्षुष बिंब। अरे आप आंखों से देख रहे हो ना इसको, तभी तो ये बात ही, तभी तो ये कल्पना आप कर रहे हो, तो चाक्षुष बिंब इसमें लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में संबोधन किसका किया गया है? सहर्ष स्वीकारा कविता में जो है अज्ञात आलंबन का संबोधन किया गया है और ये कविताएं हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, किसकी पंक्ति है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये पंक्ति किसकी है मित्रों? ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कहानी है महाशूद्र के लेखक कौन है? कहानी महाशूद्र के लेखक किसको माना जाता है? तो 21 नंबर के प्रश्न में आंसर हो जाएगा सी, तो मोहनदास नेमी सराय। किसको माना जाता है महाशूद्र कहानी के लेखक? मोहनदास नेमी सराय। अगला प्रश्न है, खुद को उर्दू और हिंदी का दोहाब मानने वाले कवि
खुद को उर्दू और हिंदी का दोहा मानने वाले कवि यहाँ पर माना जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है साथियों, शमशेर बहादुर सिंह को अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखना। 23 नंबर का प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है मित्रों? तो 23 नंबर के प्रश्न में प्राकृत भाषा का बोध होता है। कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का बोध होता है मित्रों। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, बर्वे रामायण में कितने बर्वे होते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बर्वे रामायण में साथियों जो है 69 बर्वे होते हैं, छंद होते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त करी थी? तो उकील बंधुओं से। किससे करी थी? उकील बंधुओं से या वकील बंधुओं से करी थी। 26 नंबर का प्रश्न आता है साथियों, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध इनमें से नहीं है साथियों? तो 26 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। 27 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? साथियों बहुत बार पढ़ी हुई कविता है, बहुत बार पढ़ी हुई ये रचना है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत यहाँ पर इसके लेखक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को इसका लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दोहा या दुहा मूल भाषा का छंद है? दोहा या दुहा किस भाषा का छंद माना जाता है? तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद माना जाता है। सद सहउ हउ गण हम असत बण पिए इकती बलिये ही बेवी समाना हत। उपयुक्त दोहा किसका माना जाता है? 29 नंबर का प्रश्न है, तो ये अब्दुल रहमान का दोहा है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। तीसरा प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख सने अरु भये नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार किसको माना जाता है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक को माना जाता है मित्रों। किसको माना जाता है? गुरु नानक को। अगला है 31 नंबर का, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह को सिमोहे हूँ। तो 31 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किससे ली गई है या किसने लिखी है मित्रों? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिलोचन के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? बहुत तगड़ा प्रश्न है, किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? 33 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा, मित्रों मरजानी को माना जाता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी। अगला प्रश्न है, टेस कहानी के लेखक कौन है? टेस कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें होगा बी ऑप्शन राइट, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ऐसे प्रश्न अनेक बार पूछे जाते हैं, भारतेंदु मंडल का इनमें से कौन नहीं है, कौन सा लेखक नहीं है? तो 36 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। साथियों रस कलश किस की रचना है? रस कलश किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो साथियों ये क्वेश्चन थे 37 प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इन प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा, अगर लाइक कीजिएगा और अच्छी बात लगती है और अच्छी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूँ, तो निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए मित्रों। अनेक प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, इसलिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।